ओ भाई साहब, तो देख सकते हैं कितनी छोटी सी है और इसका प्राइस है कितनी खतरनाक लग रही है देखने में। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुष और आज की वीडियो पे हमारे पास दिवाली की काफ़ी सारी गने, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो पे करेंगे इन सभी की टेस्टिंग और प्राइस भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, ये रही हमारी पहली गन, तो देख सकते हैं कितनी छोटी सी है और इसका प्राइस है 20 रुपये। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया गन है, ये मिसाइल वाली गन है। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है जहाँ पे हम रिंग कैप लगाते हैं। तो ये रहा वो रिंग कैप का पत्ता, देख सकते हैं यहाँ पे ये QR कोड बना हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया होता है, तो दिखने में कुछ इस तरीके का है। और प्राइस की बात करें तो ये 7 से 8 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक रिंग कैप को मैंने निकाल लिया है, तो इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें एक मिसाइल भी लगानी होगी। और ये रहा मिसाइलों का सेट, तो देख सकते हैं इसमें पूरी टोटल 100 मिसाइलें होती हैं और इसका प्राइस होता है 60 से 70 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक लग रही है देखने में। तो इनको मैं खोल के दिखाता हूँ सभी मिसाइलों को। सो भाई साहब, देख सकते हैं ये रही मिसाइलें, काफ़ी गजब की लग रही हैं। और ये मिसाइल गई गन के अंदर और गन हमारी जो है पूरी लोड हो चुकी है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस, आपने देखा कुछ मिसाइलें चलती हैं, कुछ मिसाइल नहीं चलती हैं। ये थी छोटी मिसाइल वाली गन और ये रही हमारी दूसरी मिसाइल वाली गन। तो ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है पहले वाले से और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। और ये गन है 30 रुपए की। ठीक है, तो इसमें जो रोलर लगा हुआ है वो मैं दिखाता हूँ अभी। तो रोलर ये रहा और पीछे से देखिए रोलर पूरा खोखला है, तो कुछ इस तरीके का रोलर इसमें लगा हुआ है। तो इसमें लगाते हैं रिंग कैप और उसके बाद लगाते हैं इसके अंदर मिसाइल। तो ये वाली गन हमारी लोड हो गई, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो भाई साहब, आपने देखा जो मिसाइल किस तरीके से गई, काफ़ी बढ़िया थी, एक नंबर यार। अब चलाते हैं अपनी तीसरी गन को, तो देख सकते हैं साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है पहले वाले से, तो मीडियम साइज़ की है ये और ये है 40 रुपये की। ठीक है, और ये वाली गन काफ़ी गजब की है, इसमें कुछ स्पेशल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्पेशल है इसमें। तो ये रहा रोलर और रोलर को ध्यान से देखिए, तो पीछे की तरफ इसमें देखिए 8 राउंड के गोल गोल बने हुए हैं सर्कल, इसमें छर्रे डाल सकते हैं। क्योंकि गाइज, हमने एक गन बनाई थी टॉय गन टू रियल गन में कन्वर्ट करने वाली, आप लोगों ने शायद देखी होगी, काफ़ी बढ़िया थी, उसमें हम लोग बुलेट भी फायर कर सकते थे, तो इसलिए मैंने ये गन ली है, काफ़ी बढ़िया है। तो इसको भी मैंने लोड कर लिया है, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइस, ये रही हमारी नेक्स्ट गन, तो देख सकते हैं काफ़ी गजब की लग रही है देखने में। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईगल ब्रांड और बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी गजब की है और इसका प्राइस है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग मिसाइल फायर नहीं करते हैं, इसमें हम लोग पेपर रोल कैप्स लगाते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे पेपर रोल कैप फिट करते हैं। तो ये रहा बॉक्स पेपर रोल कैप्स का, देख सकते हैं डक ब्रांड का है और इस बॉक्स का प्राइस है 80 रुपये। और इसके अंदर इस तरह के रोल्स होते हैं, अभी खोल के दिखाते हैं। तो ये रहा एक रोल, तो एक रोल के अंदर होते हैं 10 छोटे छोटे बॉक्सेस और ये पूरे अंदर इसमें होते हैं 100 बॉक्सेस। ठीक है, तो 100 बॉक्सेस मिलते हैं छोटे छोटे इस तरीके के कुछ। तो गाइस, इसको इंग्लिश में तो पेपर रोल कैप बोलते हैं और हिंदी में शायद टीकड़ी बोलते हैं या फिर चुटपुटिया टाइप बोलते हैं। तो इसको रोल करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट करते हैं। ये गन तो आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये ईगल ब्रांड की थी जो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लोड कर चुका हूँ, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी चलती है। तो भाई साहब, कुछ भी करिए, चलाने में तो काफ़ी मज़ा आती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जो रोल कैप्स हैं बीच में टूट जाते हैं जिससे कि उसका जो फ्लो है वो ख़राब हो जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। और ये रही हमारी नेक्स्ट गन, तो देख सकते हैं इसमें पीछे किस तरीके का हत्ता लगा हुआ है देखने में। तो ये लंबी नली वाली गन है, तो नली भी इसकी लंबी है और पीछे हत्ता भी लंबा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा उसका रोलर, तो इसमें लगाते हैं रिंग कैप। और प्राइस की बात करें तो ये हमें पड़ी है 60 रुपये की। ठीक है, 60 रुपये की है। तो यहाँ पे लगाते हैं मिसाइल, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सो गाइज, आपने देखा इसमें जो मिसाइलें हैं वो सीधी जा रही हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। सो भाई साहब, ये रही हमारी लास्ट गन, तो ये है मैच स्टिक फायर वाली गन। तो देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया है।
और ये रहा उसका बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर आई थी पबजी मैच गन। तो इससे हम लोग माचिस की तीली को ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। तो ये रही माचिस की तीलियाँ। तो इसमें से एक तीली को मैं लोड करता हूँ और इसके बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं इसमें कैसा साउंड आता है। तो इसको कुछ इस तरीके से खोलते हैं। अब हम इसमें डालते हैं माचिस की तीली और जब इसमें गाइस इसको नीचे करते हैं कट से आवाज़ आती है तब ये लोड हो जाती है। तो यहाँ पे माचिस की तीली मैंने इसमें लगा दी है। अब इसको इसमें डालते हैं फिर उसके बाद देखते हैं फायर करके कैसा साउंड आता है। ओ भाई साहब, माचिस की तीली से साउंड तो यार काफ़ी गजब का आया है। एक और लोड करके देखते हैं। ये अगर मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अपने वीडियोस में, चैनल पे बने रहिएगा आप लोग। एक नंबर। सो भाई साहब ये वाली फेल हो गई है। तो कुछ तीली इसमें फेल हो जाती हैं। एक और चला के देखते हैं यार। एक नंबर यार, तो ये वाली फेल नहीं हुई तो काफ़ी बढ़िया थी। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।